नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपके सामने एक बार फिर से नीलेट का ओ लेवल का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग के बाद में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्प्रेडशीट जो कि होती है एमएस एक्सेल शीट। इसके कुछ पार्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं और अब हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें जो है फार्मूले देखेंगे, और फार्मूले में फार्मूला ऑफ फॉर नंबर्स के लिए हम लोग फार्मूले देखेंगे। तो इस ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी हमारे नए यूजर्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो हमारी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इस फार्मूले में। फार्मूले के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद में ऑटो सम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद में सम पढ़ेंगे, फिर काउंट पढ़ेंगे, फिर मैक्स, मिन और एवरेज। ठीक है, उसके बाद में जो भी पार्ट है वो सारा हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एडिशन की। चलिए तो एडिशन पे आ जाते हैं हम लोग और अपनी एक वर्कशीट खोल लेते हैं। तो ये हमने पहले कुछ डेटा बना के रखा है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो कौन कौन सा हमको पढ़ना है, एक तो एडिशन पढ़ना है, दूसरा सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, तीसरा मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है, और चौथा डिवीजन पढ़ना है, DIV डिवीजन पढ़ना है, IVISION डिवीजन पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, और क्या क्या हम लोग नोट करके रख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन पढ़ लेना है, ऑटो सम और फंक्शन, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑटो सम पढ़ना है, ऑटो सम, उसके बाद फंक्शन के कुछ फार्मूले। फंक्शन में FUNC फंक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है फंक्शन में। सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, ये सम, उसके बाद काउंट, फिर मैक्स, मैक्स, उसके बाद मिन, उसके बाद एवरेज। ठीक है, AVG लिखते हैं एवरेज को। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, तो हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन की। एडिशन थे तो ये हमने आप लोगों के लिए एक पहले एक डमी डेटा बना के रखा है कि समय का जो है सदुपयोग हो सके, समय हम बचा सके। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मंथली बजट है, किसी भी फैमिली का, किसी भी फैमिली का एक मंथली बजट है, और उस मंथली बजट में उन्होंने जो है अपना एक टाइप है, एक एस्टीमेट खर्चा का अनुमान लगा के रखा है। एस्टीमेट मतलब होता है अनुमान लगाना कि इतना खर्चा इस चीज पे, पर्टिकुलर चीज पे आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद में एक्चुअल खर्चा कितना होगा और उसके बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे, ये हमने एक टेबल बना रखी है। तो उन्होंने जो लिया है वो फूड क्लॉथ पे बोल रहे हैं कि एक महीने में लगभग 3,000 कपड़े का खर्चा हो जाएगा हमारा, 20,000 का राशन लग जाएगा, पेट्रोल 3,000 का लग जाएगा, और शॉपिंग 12,000 की हो सकती है, पढ़ाई पे 5,000 का खर्च हो सकता है, मार्केटिंग पे, शॉपिंग पे 6,000 का खर्च हो सकता है, और अदर एक्सपेंसेस इसके अलावा जो बचेंगे, उन्होंने 8,000 रुपये अदर खर्च के लिए, मिसलेनियस खर्च के लिए रख रखे हैं कि हो सकता है जरूरत पड़े तो ये सारे खर्च आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या कि एक एस्टिमेटेड खर्च हो गया, एक्चुअल खर्च में इधर दे रखा है। तो पहले हम लोग एस्टिमेट खर्च निकाल लेते हैं। तो देखिए सम के लिए पहले ऐड पढ़ेंगे, तो ऐड में कुछ नहीं करना होता, देखिए ये है और इसको यहां से पकड़ेंगे, इसको यहां से पकड़ेंगे और यहां पे ले आएंगे, ये इसको यहां पे पकड़ेंगे यहां पे और यहां पे ले करके, ये देखिए एक ऑटो सम है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा वैल्यू ऐड हो करके आ गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वैल्यू जो हमारी आई है वो टोटल इसका खर्च आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है, इसको हमने यहाँ से पकड़ा ये पूरा, और इस पूरी वैल्यू को हमने जो है, एक मिनट कंट्रोल जेड, ये वैल्यू जो है ये हमने ऐसे सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे छोड़ दी, और ये ऑटो सम आपको दिख रहा है। ठीक है, सिग्मा का साइन बना हुआ है और जैसे हम लोग करेंगे वैसे ये आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसका टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आप लोग ऑटो सम के तरीके से निकाल सकते हैं, ऐड भी यही होता है। ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं। तो ये दूसरा तरीके इसमें यह है कि आपने इसको जो है सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इक्वेस टू लिखा, इक्वेस टू लिखने के बाद में आपने ये लिया, फिर प्लस का साइन लिया, फिर ये लिया,
फिर प्लस का साइन लिया। इस तरीके से जितने भी वैल्यू हैं आप हर वैल्यू को सेलेक्ट करते जाएंगे और प्लस का सिंबल लगाते जाएंगे। उसके बाद में इसको लेने के बाद में जस्ट एंटर कर देंगे तो ये देखिए ये वही वैल्यू आ गई जो हमारी उसमें आई थी। तो दो तरीके बता दिए हमने कि एक एक में आपको एक बार फिर से देख लेना है कि ये आपने जो है इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका हमने ये बता दिया, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, इस को ऐड करने के लिए आपको ये बेसिकली जो है रो और कॉलम का एड्रेस पता होना चाहिए। देखिए ये आपका कॉलम क्या है, एल है, तो एल लिखा है और कौन सी रो में है, फोर की रो में है, तो फोर वाली वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से एल फाइव है, ठीक है, एल सिक्स है, एल सेवन है, एल एट है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो दो तरीके हमने बता दिए, जो भी आप लोगों को पसंद हो, जो भी आप लोगों को ईजी लगे वैसा आप तरीका अपना लीजिएगा। वैसे ये ड्रैग करने वाला जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ये होता है कि मान लीजिए हमको कोई चीज़ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई घटानी है मतलब। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस निकालना है, जहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन निकालना है, वहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू ले लिया जो एस्टिमेटेड खर्चा है, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया और ज़्यादा वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से माइनस का साइन लगा दिया और जो एक्चुअल जो वैल्यू माइनस करनी है उसको सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया, तो हमारी ये देखिए वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3000 में से 2000 गया, एक आ गया। अब करना कुछ नहीं है, अब मान लीजिए बहुत बड़ा टेबल है, बहुत बड़ा टेबल का आपको जो है कैलकुलेशन करना है, तब तो दिक्कत हो जाएगी, हर बार आप फार्मूला लगाते रहें, हर बार फार्मूला लगाते रहें। तो उससे बचने के लिए आप सीधे इसको ड्रैग कर दीजिए और आप ये देख पा रहे होंगे कि सारी वैल्यू अपने आप जो है कैलकुलेट होकर के माइनस में आ गई। ये देखिए ये आप 2000 में 20000 में से 17500 घटा रहे हैं तो 2500 बच रहा है। ठीक है, 3000 में से 2800 घटा रहे हैं 200 रुपये बच रहा है। यहाँ पे माइनस 1000 आ रहा है क्योंकि 5000 में से 6000 जा रहा है, तो माइनस का 1000 आ रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी वैल्यू को घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और अब आपको नेक्स्ट फार्मूला बता देते हैं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, मान लीजिए इन इन दो वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी इक्वल टू लगाया, जो वैल्यू है उसको लिया और जिससे ये आपका स्ट्रेक का साइन लगा दिया। उसके बाद जिससे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वो वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और सीधा सा इंटर मार दिया। वो हमने जो है अब देखिए 3 2 6, ठीक है, 3 0 ये, 3 0 ये, टोटल 6 0, तो 3 2 6 और 6 0, तो इस तरीके से। अब पूरी वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे, सीधे वैल्यू को ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये इस तरीके का सिंबल दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको सही कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई। तो ठीक है, ये वैल्यू आपने देख ली, तो ये इस तरीके से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, जिस वैल्यू को डिवाइड करना है वो वाली वैल्यू लगानी है और स्लैश का साइन लगा देना है जो आपके कीबोर्ड में है। उसके बाद में ये वैल्यू लेनी है और इंटर कर देना। ये देखो 1.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से सभी उसमें जो है आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है, ड्रैग कर लेंगे, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली हमने इसीलिए आपके लिए बनाया था कि जो है हमको इजी हो जाए। चलिए ये एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार इनका, जिसलिए बनाया है, और हम यहाँ पे सम कर लिया, ये कर लिया, और उसके बाद में इसका भी सम कर लिया हमने, ये आ गया। और अब इन दोनों को हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या करना है, इक्वल टू लगाया और ये वैल्यू ली, उसके बाद माइनस किया, ये वैल्यू ली और इंटर कर दिया, तो हमारा ये डिफरेंस आ गया। चलिए इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी थोड़ी सी बड़ी और ये बोल्ड वैल्यू हो गई, तो ये हो गई। अब इस तरीके से आप सबका डिफरेंस अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सबका डिफरेंस चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इक्वल टू किया, ये वैल्यू लिया, माइनस किया, ये वैल्यू लिया, इंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई। अगर आप ये चाहते हैं इन सबका ऐड भी कर लें तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसका एडिशन कर लेंगे तो इसका एडिशन आ जाएगा। ठीक है, ये 1700 इसलिए ले लिया क्योंकि ये वैल्यू 8700 भी ये ऐड कर रहा है और वहाँ पे प्लेस नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे फार्मूला लगा है, इसलिए फार्मूले की वैल्यू यहाँ पे 8700 दिखा रहा है, तो इसलिए इसने 87 को कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सम का हमने बता ही दिया, काउंट करना है जैसे मान लीजिए। ठीक है, काउंट में कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं एडिशन का जो है
वही करना है, जैसे इस वैल्यू को हमने हटाया, और मान लीजिए ऐड, एडिशन का क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब इस टेबल से हम यहाँ पे आपको एडिशन परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। इक्वल टू कर लिया, इक्वल टू के बाद हमने क्या किया, सम कर लिया। सम किया उसके बाद में क्या किया, जैसे ही सम किया उसके बाद में हम जो है यहाँ से ले लेंगे क्या, ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने लगा लिया, और ब्रैकेट करने के बाद में किसका किसका सम करना है, मान लीजिए इसका सम करना है, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये और ये करना है, ठीक है। उसके बाद में हमने ब्रैकेट क्या किया, बंद कर दिया, ये ब्रैकेट हमने बंद किया, और बंद करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ये देखिए हमारा 5000 आ गया, 3 2 5, ये आपका 5000 आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का जो है सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सम का, एडिशन का आप मतलब आप समझ गए होंगे, सम एडिशन सब एक ही होता है। अब एवरेज निकालना है, एवरेज कौन कौन सी वैल्यू का निकालना है, अब हम आपको बता देते हैं कि एवरेज कैसे निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू करेंगे, ठीक है, ए वी, ये देखिए एवरेज आ गया, एवरेज ले लिया, ठीक है, एवरेज ले लिया, तो ये हो गया एवरेज, ये आ गया फार्मूला कौन कौन से नंबर का एवरेज निकालना है। मान लीजिए हमको इस पूरे नंबर यहाँ से लेकर के ये पूरे का ही एवरेज निकालना है, ठीक है, इस पूरे का एवरेज निकालना है। और हमने क्या किया, ये वैल्यू वैल्यू सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर मार दिया, तो ये देखिए ये एवरेज वैल्यू निकल आई 8142.857, ठीक है। पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू होती है वो सिंगल डिजिट में पढ़ी जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये एवरेज हो गया। अब काउंट हमको करना है, तो मान लीजिए काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, इक्वल टू किया, ठीक है, काउंट काउंट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। काउंट करने के बाद में टोटल वैल्यू, ये हमको काउंट करनी कितनी वैल्यू है, ये कर दिया। उसके बाद में फिर वही शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट बंद किया और हमने देख लिया कितनी वैल्यू है। तो इस तरीके से चाहे बहुत बड़ा डेटा हो, 100 200 500 1000 का, तो आपको एक एक मैन्युअली काउंट नहीं करना पड़ेगा, आप काउंट फार्मूला लगा देंगे और उससे आपको काउंट हो जाएगा। देखिए काउंट कर लेते हैं मैन्युअली, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पे इसने 7 दे दिया। तो ये काउंट का फार्मूला होता है कि एक बड़े बहुत सारे बड़े डेटाबेस में आपको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू काउंट करनी है कि टोटल वैल्यू कितनी है, रो कितने हैं उसमें या कॉलम कितने हैं, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि डेटा कितना है, वो सारा आप काउंट कर सकते हैं। चलिए अब मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम का क्या होता है कि मैक्सिमम वो होता है कि किसी भी गिवन टेबल में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को मिले। तो कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन देते हैं और मैक्स लिखते हैं, ये मैक्स का फार्मूला आ गया। उसके बाद में जैसे मैक्स का फार्मूला देते हैं तो ये पूरी टेबल हमने उठाई और इसमें से हमने मैक्स का फार्मूला निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए 20000 की वैल्यू जो है हमारी सबसे ज़्यादा है, तो इसने 20000 की वैल्यू हमको रिट्रीव करके दे दी, ठीक है। अब चलिए मिनिमम देख लेते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, अब मिनिमम के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे और मिन लगा देंगे। मिन के बाद में क्या करेंगे, ये मिन का आपका आ गया, और जैसे हमने मिन किया तो ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू में, चलिए इस बार इसमें से काउंट कर लेते हैं। इसमें से मिनिमम वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करने के बाद में हमने इसको जो है ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, ये देखिए 2000 वैल्यू है। तो इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू, ये सारे आपके ये फार्मूले और फंक्शंस हमने बता दिए हैं, एडिशन का बता दिया, सब्सट्रैक्शन का बता दिया, मल्टीप्लिकेशन का बता दिया है, डिवीजन का बता दिया है, ऑटो सम का बता दिया, फंक्शन के अंदर जो फार्मूले आते हैं, सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया। तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमको जो है बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, तो हम आपकी वो क्वेरी बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, और एक बार अगर हो सकेगा तो हम फिर से इसको जो है प्रैक्टिकली दिखा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ लिया है, ये सम काउंट मैक्स मिन एवरेज तक हमने देख लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि सॉर्ट फिल्टर एडवांस फिल्टर डेटाबेस फंक्शन और आगे जो भी है ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सॉर्ट पे आते हैं और सॉर्टिंग शुरू करते हैं हम लोग। तो सॉर्टिंग में ये हमने पहले कुछ डेटा बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे एड्रेस है और ये इंटरेस्ट है। सीरियल नंबर में 1 2 3 2 19 तक है और नेम में प्रियांकुर, और इसमें जो है ये कुछ नाम दिख रहे होंगे। जेंडर में मेल फीमेल का है, एज में सबकी एज है और एड्रेस में मथुरा आगरा लखनऊ, जैसे भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका हमने डेटा ले लिया। और इंटरेस्ट में कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग, कंप्यूटर जिसका जैसा शौक है, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है जैसा भी है, वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे एक डेटा आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको सीखेगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो ये जो आपका डेटा देख रहा है, हमने अभी सीरियल नंबर सेलेक्ट किया है और सीरियल नंबर को जो है
ऑलरेडी 1 to 19 है, अब हम इसको क्या करते हैं उल्टा जो है इसको जेड टू ए कर देते हैं। तो जैसे जेड टू ए करेंगे तो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए 19, 18, 17, 16, 15 ये हो गया। तो ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है फीमेल और मेल को, तो ये हम लोग देखते हैं कि पहले फीमेल आ जाए और फिर मेल आ जाए, तो उसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो ये देखिए पहले फीमेल आ गया है आपका, उसके बाद मेल आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि जितने, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम के आगे जहाँ जहाँ भी फीमेल है वहाँ वहाँ पे सारी फीमेल्स आई हैं, और जहाँ जहाँ पे मेल है वहाँ वहाँ पे सारे मेल्स आ गए। अब चाहते हैं कि हम ये जो है इनकी एज है, इनकी एज जो है असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो यहाँ पे हमने इस एज के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जेड टू ए कर दिया। और जेड टू ए करने के बाद जैसे हमने किया, ये देखिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो इंसान है वो मेल है, अंकुर दूसरे नंबर पे था, उसकी उम्र 14 साल है, 14 साल से नीचे 17 साल, उसके बाद में ये स्वाति 55 साल की है, तो ये सबसे नीचे आ गई। ठीक है, चलिए अब और हम देख लेते हैं कि ये जो इनका एड्रेस है, ये जहाँ पे बिलोंग करती हैं उनके एड्रेस के हिसाब से हम लोग इनको जो है सॉर्ट कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी ये तो सॉर्ट ही हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि पहले ए है, फिर सी है, फिर डी है, फिर के है। तो उसके बाद में फिर भी देख लेते हैं इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। तो ये देखिए फिर से वही चीज आ गई। अब अगर इंटरेस्ट के हिसाब, अब अगर इंटरेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद में ये आए और हम यहाँ पे इसको ए टू जेड कर दिए। और ए टू जेड जैसे किए तो ये देख पा रहे होंगे सबसे पहले कंप्यूटर आ गया, फिर क्रिकेट आ गया, फिर डांसिंग, फुटबॉल, प्रिंटिंग, रीडिंग एंड सिंगिंग, ये सारी चीजें आ गई। ये तो हो गई हमारी मैनुअल सॉर्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ा कस्टम सॉर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो कस्टम सॉर्ट अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि ये इस तरीके से है और यहाँ पे जाएंगे तो कस्टम सॉर्ट पहले तो इसको जो है फिर से जिस वैल्यू में था, जिस तरीके से था, उस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, मतलब सीरियल वाइज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो ये जैसे हम लोग इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये हमारा डाटा एज इट इज पहले की तरह हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं 1, 2, 3, उसके बाद मेल फीमेल, उसके बाद एज, जिस तरीके से जो जहाँ से बिलोंग कर रहा था वो सारी चीज़ें एज इट इज हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कस्टम जो है सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास में जो है अब हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद में देखिए हमारे पास ये कस्टम सॉर्ट की एक नई विंडो पॉपअप विंडोज को बोलते हैं खुल गई। अब हमको किस आधार पर सॉर्ट कराना है, यहाँ पे आप कुछ चीजें देख रहे होंगे, ऐड लेवल का है, डिलीट लेवल का है, कॉपी लेवल का और भी ऑप्शन है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये जो लेवल दे रखे हैं इनके हिसाब से सॉर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सीरियल नंबर है अभी फिलहाल, इसको अगर हम ड्रैग करेंगे देख रहे हैं इसमें हमको कई सारी चीजें दिख रही है, कई सारी कौन कौन सी चीजें दिख रही है, वही सारी चीजें दिख रही है जो आपको यहाँ दिख रही होंगी। देखिए पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, दूसरा नेम है, फिर जेंडर है, फिर एज है, फिर एड्रेस है और इंटरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सब चीजें वैसे ही दिख रही है, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, एज, एड्रेस और इंटरेस्ट। मान लीजिए कि हमको जो है नेम के आधार पर सॉर्ट करना है तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे क्या है वैल्यू, क्योंकि सेल कलर, फ्रंट कलर और सेल आइकन से हमको मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो इस नेम के सामने जो वैल्यू होगी वो कर लेंगे और हमको कौन से ऑर्डर में चाहिए, ए टू जेड में चाहिए। पहले ए टू जेड में करके देख लेते हैं और ऐसे किया और ये अप्लाई करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है हमको जो भी चीज थी वो ए टू जेड के नाम से सॉर्ट हो गई। पहले ए से जितने भी लोग थे वो लोग सॉर्ट हो गए, फिर उससे बड़ा, फिर के आया, फिर एल, एम, एम, एन, पी, आर, आर के बाद में एस, तो उसके बाद में सबसे लास्ट में भी। तो ये तो एक हो गया कस्टम सॉर्ट का एक अच्छा सा एग्जांपल। दूसरा देख लेते हैं इसी में। ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई दूसरी चीज, मान लीजिए जेंडर के नाम पे हमको जो है जेंडर पे हमको सॉर्टिंग लगानी है, तो हमने जेंडर कर लिया, वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब जेंडर में हम लोग क्या करते हैं जेड टू है, पहले जो है मेल आ जाए फिर फीमेल आ जाए। तो चलिए देखते हैं, अब ये देखिए पहले मेल आ गया और फीमेल आ गया, तो जितने भी मेल आए थे वो ऊपर हो गए, जितने भी फीमेल थी वो सब नीचे हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको एड्रेस के हिसाब से करना है और एड्रेस हमारा क्या होना चाहिए, ए टू जेड होना चाहिए। तो ये देख लीजिए अब आपको मिल गया होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कई जैसे देख पा रहे होंगे कि पहले ए है, फिर सी, डी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल गई। ठीक है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, यहाँ पे पहले सारे मेल हैं, उसके बाद में ये अपने एड्रेस के हिसाब से आ गए। अब और देख लेते हैं इसी पे, एक और फिल्टर देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से आप कुछ भी किसी भी चीज से यहाँ से सॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एड लेवल
क्या है, एड लेवल कर लिया। अब यहाँ पे हमको ऊपर क्या लेना है, ऊपर मान लीजिए हमको नेम लेना है, ठीक है, इसमें वैल्यू ए टू जेड लेनी है, और यहाँ पे नीचे क्या लेना है कि हमको एज लेनी हो, एज की वैल्यू क्या होगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बाय डिफॉल्ट दे रखा है और हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेनी। चलो देख लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे किया, अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये हमारी वैल्यू इस तरीके से सॉर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू सॉर्ट हो गई, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें एज का हो गया था और ये ए टू जेड हो गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए ए जी के एल एम, ठीक है, एम, तो ये सारी चीजें हो गई, दोनों पे हमने सॉर्ट अप्लाई कर दिया। पहले क्या था, पहले नेम पे था, देन बाय एज, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सेल में बहुत अच्छा सा फीचर है। तो चलिए फिर से इसको जो है उसी तरीके से सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने सीरियलाइज पे, सीरियलाइज फॉर्म में कर देते हैं इसको, आए और हमने सेलेक्ट किया और नॉर्मल फिल्टर, सॉरी नॉर्मल लगा दिया और ये इसको यहाँ से सॉर्ट कर दिया, तो ये हमारे जो है इस तरीके का डेटा आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सॉर्टिंग दोनों तरीके से समझ में आ गई होगी, एक तो नॉर्मल सॉर्टिंग, दूसरी जो है आपकी कस्टम सॉर्टिंग। तो ये सॉर्टिंग का जो है कुछ ट्रिक था, कुछ फार्मूला था जिस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये तो सॉर्टिंग हो गया, अब आगे हमको क्या पढ़ना है। हमने सॉर्टिंग में पढ़ लिया क्या क्या, सॉर्ट कर लिया, और अब हम लोग देखते हैं फिल्टर और एडवांस फिल्टर, ये दो चीज देखेंगे फिल्टर और एडवांस फिल्टर के लिए। तो चलिए हमने इसके लिए भी एक डेटा बना रखा है, ये देखिए, ठीक है, तो ये डेटा हमने बना रखा है, ठीक है। तो ये आपकी एक टेबल बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये एम्प्लॉय है, आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट, सेल, सेल और सेल, 18, 19, 20, 3 साल में लोगों ने कितनी सेल की और टोटल सेल क्या आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये टोटल सेल कैसे है, इसको इसको और इसको जोड़ा गया, तो इस तरीके से ही टोटल सेल आ गई। तो ये हर चीज आप देख रहे होंगे। अब हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं, चलिए फिल्टर पे देख लेते हैं। मान लीजिए फिल्टर अप्लाई किया, तो फिल्टर पे क्या करेंगे कि हमने जहां जहां फिल्टर अप्लाई करना है वहां वहां उस चीज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया। ये देखिए सब पे फिल्टर लग गया। अब आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर नाम से, तो आप मान लीजिए कि कोमल नाम को आपको सर्च करना है, तो बाकी सारी चीजें को क्या करेंगे आप, मान लीजिए जिस नाम को आपको सर्च करना है वही नाम रखेंगे और बाकी सारी चीजें हटा देंगे, तो इस टेबल में जितने भी कोमल के नाम के लोग होंगे वो आ जाएंगे। देख रहे हैं हमारे पास कोमल नाम का केवल एक ही व्यक्ति है जो कि इस टेबल में है, तो ये हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर इसी में सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो हमको सभी एम्प्लॉयज वापस दिख गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एम्प्लॉय आईडी में क्या है, हमको केवल और केवल चाहिए कि हमको 203 और 207 वाला दिखे, ठीक है, बाकी कोई ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए 203 और 207 का इंसान हमें दिख रहा है, जो कि दोनों फीमेल है, दोनों की एज 26 और 20 साल है, एक फर्नीचर डिपार्टमेंट में, एक गारमेंट में डिपार्टमेंट में, और उसने दोनों ने मिलकर तीनों साल में कितनी सेल की है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं, फिल्टर पे लगाते हैं, और ठीक है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी है, और रजिस्ट्रेशन आईडी में जैसे यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट ऑल किया तो ये क्या हुआ कि ये जितने भी इस तरीके के थे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया था, ये सेलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी बाई डिफॉल्ट सबकी एक ही है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय आईडी चेंज है तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमने सेम रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट आईडी भी रख सकते हैं। अब देखते हैं कि नाम के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि हमको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा, एक अमित को रखना है, प्रिया को रखना है और सुमन को रखना है। तो देखते हैं ये तीन लोग आ गए, और अगर इनसे मिलते जुलते दूसरा नाम भी होते तो वो भी आ जाते यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से इसको सही कर देते हैं, सारे वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो हम पूरे टेबल में फिर से आ गए। अब एज के हिसाब से बता देते हैं, मान लीजिए एज आपकी जो है किसको किसको सेलेक्ट करना, मान लीजिए 23 साल के लोग और 30 साल के लोग को आपको सेलेक्ट करना है। तो अब देख लीजिए 23 साल और 30 साल के दो लोग हैं, तो यहाँ पे 23 साल के दो लोग हैं और 30 साल का एक लोग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या होता है। डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में सारे सेलेक्ट हैं और हम चाहते हैं केवल फर्नीचर वाले आए, तो यहाँ पे हमें फर्नीचर वाले तीन लोग मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिपार्टमेंट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए सेलेक्ट करना है केवल हमको 2000 की सेल के लोग दिखे, तो 2000 में केवल एक ही सेल हुई है तो वो हमको दिख गई। इस तरीके से आप कहीं भी
कुछ भी किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे आप सॉर्टिंग वो सॉरी आप जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इजी फिल्टर, तो इस तरीके से हम कहीं भी किसी भी तरीके से डेटा को अपने फिल्टर कर सकते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं और देखते हैं एडवांस फिल्टर क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सॉरी यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। देखिए फिल्टर आपका हट गया। अब आते हैं एडवांस फिल्टर पर। एडवांस फिल्टर क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए अब एडवांस फिल्टर में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी पॉपअप विंडो आ जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पॉपअप विंडो है। अब ये कहती है कि क्या करना है, सेलेक्ट कहाँ से करना था, ये पूरा डाटा हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से लेकर के हमको यहाँ पे पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये पूरा हमारा डेटाबेस है। तो ये हमारा पूरा डेटाबेस यहाँ पे आ गया। अब क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि क्राइटेरिया रेंज क्या होती है, इसको पहले समझ लीजिए कायदे से, फिर जो हम लोग इस पर वर्क परफॉर्म करेंगे। देखिए क्राइटेरिया मतलब ये होता है कि आपको इस पूरी टेबल में से क्या चीज जो है निकालनी, मान लीजिए जो भी निकालना है, तो हमने इस चीज को इसको जो है एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो जैसा लिखा है उसको एज इट इज कॉपी करके वहीं पे रख देना है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और एक मिनट हम इसको डिलीट करके फिर से आप लोगों के सामने लाते हैं, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे ये देखिए इंटायर रो क्या हुआ, ये पूरी रो हमने डिलीट कर दी। अब क्या करना है, अब हमको एडवांस फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर के लिए हमको क्या करना है, ये सेम चीज जो है इसको एज इट इज कॉपी करनी है। कंट्रोल से शॉर्टकट कीज होती है आपको पता होगा, और कंट्रोल भी पेस्ट होता है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो भी चीज सॉर्ट करनी है, मान लीजिए हमको क्या करना है एम्प्लॉय आईडी सॉर्ट करनी है, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जो भी डेटा सॉर्ट करना होता है उसमें आप इक्वल टू लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, और मान लीजिए कि हमको 202 नाम का डेटा सॉर्ट करना है उसको लगा दिए, और 202 पे जो नाम है वो हमको सॉर्ट करना है, तो इक्वल टू लगाया, उसके बाद में जैसे नाम लिखा है जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, बस इतना करते हैं और आए एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर पे आपको ये ऑलरेडी डेटा सिलेक्टेड दिख रहा है और हमने ये सिलेक्टेड कर दिया, तो ये डेटा की रेंज यहाँ पे आ गई। अब क्राइटेरिया रेंज क्या करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये क्राइटेरिया रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्राइटेरिया रेंज हो गई। और जैसे ही हमने क्लिक किया वैसे ही देखिए 202 यहाँ पे था, सुमित यहाँ पे था, और इस का ये जो डेटा था 202 नाम के आईडी और सुमित नाम का जो डेटा था वो आपका फिल्टर होके यहाँ पे आ गया। ये था एडवांस फिल्टर का फार्मूला, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, फिर से अपनी पुरानी वाली टेबल पे आ जाते हैं। तो पुरानी टेबल लाने के लिए यहाँ पे ये क्लियर देख रहे हैं, क्लियर को हटाएंगे और ये हम पुराने टेबल पे आ गए। मान लीजिए हमको कि ये डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, और ये भी डेटा हमको नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एज चाहिए और या फिर डिपार्टमेंट चाहिए। मान लीजिए डिपार्टमेंट आपको चाहिए, डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है कि आपको जो है गारमेंट्स में जितने लोग काम करते हैं उन सबकी लिस्ट आ जाए, तो आप जैसे ही लिखा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करिएगा। गारमेंट्स हमने लिख दिया और छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आए एडवांस फिल्टर पे, और एडवांस फिल्टर पे हमने क्या किया, ये हमने रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर ली, ये रेंज हमारी आ गई। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में क्या करना है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे ये क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ये क्राइटेरिया रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई, और ओके जैसे किया, ये देखिए जितने गारमेंट्स डिपार्टमेंट में थे लोग वो सारे लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे एक चीज और देख लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, फिर से आए गए अपने पुराने वाले टेबल पे। अब मान लीजिए हमको एज रखनी है, और एज हमको क्या रखनी है, वो हमको रखनी है 23, ठीक है, ये एज हो गई और ये गारमेंट्स हो गए, ठीक है। मतलब कि हमको ऐसे लोगों की लिस्ट चाहिए जिनकी एज जो है 23 है और जिसकी जो है जो जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करता है। तो उसमें एडवांस फिल्टर कैसे लगाएंगे, इस तरीके से जाएंगे और ये हम पूरा अपना डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको पूरे डेटाबेस सेलेक्ट करनी है वैल्यू, इसलिए हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, और उसके बाद में इस वैल्यू को क्राइटेरिया रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये पूरी जो है डिटेल इसको एज इट इज ये रेंज जो है हमने फिल कर दिया, ये क्राइटेरिया रेंज हो गई और ओके कर दिया। तो देखिए जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है,
तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसमें कि क्या मिस्टेक हुई है। गार जी स्पेलिंग मैच कर लीजिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग में जरा से भी मिस्टेक हुई तो वैल्यू रिट्रीव नहीं करेगा। GARGARMEMENTS मैं फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हुआ और इसकी वैल्यू ये देखिए ये हो गई, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये कॉपी करने के बाद में एक बार फिर से देखते हैं और इसको ओके करते हैं। चलिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि 23 साल और गारमेंट इसमें कोई डेटा नहीं है। या तो ये डिपार्टमेंट चेंज होगा या तो एज चेंज होगी, ठीक है। मतलब पिछले बार भी हमने ध्यान नहीं दिया था, देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखिए 23 साल, देखिए 23 साल ये है, लेकिन ये फर्नीचर में काम करता है, तो इसलिए ये डेटा रिट्रीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ऐसे लोग की जो है लिस्ट निकालनी है जिसने जो है अपने 2020 की सेल में 3500 की सेल की है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे एक चीज हटा देते हैं, ठीक। अगर डेटा मैच करेगा तो आपकी वैल्यू वो आ जाएगी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एडवांस पे आए, एडवांस पे आने के बाद में इस पूरे डेटाबेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अब इस वैल्यू पे आए और इस वैल्यू पे क्या किया जाता है, ये किया हटाया और इस रेंज को हमने कॉपी किया, ये लोकेशन हमने दे दी और ओके कर दिया। कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि 3500 की सेल सन 2020 में गारमेंट से हुई ही नहीं है। आप देख लीजिए ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं वो वैल्यू जो कि हुई है। मान लीजिए गारमेंट में आपकी 3800 की सेल है, यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे और उसके बाद 3800 करेंगे, उसके बाद फिल्टर लगाएंगे तो क्या होगा, एडवांस फिल्टर पे गए। आप लोग सीखते रहिएगा, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो जैसे भी हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, ये देखिए ये डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इस वैल्यू में आया और इस वैल्यू में आने के बाद में हमने इस वैल्यू को खत्म कर दिया। जैसे हमने इस वैल्यू को खत्म किया और इस जो है रेंज को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई और ओके कर दिया, तो यहाँ पर भी कोई शायद डेटा नहीं होगा, इसलिए नहीं आया। देखते हैं गारमेंट में आए और 3800 का डेटा हमारे पास 2020 में नहीं है। तो 2020 में 3800 का डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, 3600 का देख लेते हैं, वो तो होगा, ठीक है। एक बार और फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आए और ये डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया। मैं बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कई बार करके देखेंगे, अगर कहीं भी डाउट होगा तो इसलिए जो है आप लोग सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो इसलिए अब ये देखिए यहाँ पे ये भी डेटा नहीं मिला, तो शायद ये डेटा जो है मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, गारमेंट में नहीं है। देखिए गारमेंट है और यहाँ पे 3600 का डेटा है, लेकिन यहाँ पे 3600 का डेटा तो है लेकिन वो गारमेंट में नहीं, इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो गारमेंट वाली वैल्यू एक निकाल लेते हैं और 600 कर देते हैं, ठीक है, 600 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार हमको वैल्यू नहीं मिल रही, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आए और एडवांस फिल्टर लगाया, एडवांस फिल्टर पे हमारा ये डेटा ऑलरेडी कॉपी है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और इस वाली वैल्यू को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्राइटेरिया, अब देखिए आपके पास डेटा आ गया, ठीक है। तो हमारा ये एडवांस फिल्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब एक चीज आपको बता देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने कहा कि इस डेटा बेस का यूज करिए, और यूज करने के बाद में आप इसका डेटा कहीं और पेस्ट करिए जाके, तो ठीक है, देख लेते हैं कि ये हमने एडवांस, यहाँ पे हमने जो है एडवांस फिल्टर का ऑप्शन लिया और यहाँ पे हमने ये डेटा कॉपी कर लिया। जैसे डेटा कॉपी किया तो पहली रेंज में आ गया, उसके बाद में अब हमने ये डेटा यहाँ से हटा दिया और ये डेटा हटा के ये डेटा कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में इसकी रेंज में आ गया। अब देखिए लिखा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन किया और यहाँ पे हमने लोकेशन बना दी, ठीक है, लोकेशन बना दी। कैसे अभी देखते हैं, यहाँ पे कॉपी टू में की गए और यहाँ पे हमने एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब क्या करना है, ओके करना है। ये देखिए आपका हूबहू डेटा 207 नंबर पे जाइए, ये डेटा और ये डेटा आप मैच कर पा रहे होंगे, ये डेटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांस फिल्टर के ऑप्शन। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग करके देखिएगा, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो ये जो भी हमने पढ़ा आज तक, तो ये अब हम लोगों का सिलेबस था। तो हमने फिल्टर पढ़ लिया, डेटा और एडवांस फिल्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम लोग कल मिलते हैं
मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी चाहिए आप लोगों को इससे रिलेटेड सिलेबस या आपको इसका पेपर चाहिए तो आप जो है हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यूजर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और पढ़ते रहिए। बाय, जय हिंद।